वेलकम यू ऑल इन माई चैनल कॉन्सैप्ट गुरु ए के। तो मैं हाँ तुहाडा होस्ट अश्विनी कुमार। प्यारे विद्यार्थियो, ये वीडियो प्लस टू पोलीटिकल साइंस लई है। तो टॉपिक हैगा वै राजनीतिक समाजीकरण। पोलीटिकल साइंस प्लस टू टॉपिक का नाँ है राजनीतिक समाजीकरण। यदार्थ की है, परिभाषा की है, विशेषतावान की ने, किस्म कि ने साधन ने, ये बारे आप चर्चा करा इस PDF वीडियो। आओ शुरुआत करिए। सो बेटा, राजनीतिक समाजीकरण जो टॉपिक है तो सिलेबस है, तो ये छोटे व्डे हर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो मैं धनवादी हाँ मैडम जसप्रीत कौर जी का, मैडम जसप्रीत कौर लैक्चरर पोलिटिकल साइंस खमाणो, जिन्होंने PDF तैयार कीतियां ने, तो मैं उसकी वीडियो बना रहा वा। सो शुरुआत इदा करते हैं बेटा। सब तो पहले राजनीतिक समाजीकरण की होंदा, इहदी भूमिका की है। व्यक्ति के सर्वपक्षी विकास में परिवार की अहम भूमिका होंदी है। हौली 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 वो समाज तो चंगे तो माड़े का ज्ञान प्राप्त करता, भाव सारी जिंदगी व्यक्ति उत्ते अपने आस पास के वातावरण का प्रभाव पैंदा। व्यक्ति समाज के बनाए नियमों अनुसार अपने आप को ढाल लैंदा। सो इहदा अर्थ देखण लई डेफिनेशन देखो। आगबर्न के अनुसार समाजीकरण एक अजिही विधि है जिस द्वारा व्यक्ति समूह के नियमों के अनुसार ढल जाना सीखता। जफरी के रॉबर्ट्स ने कहा वह राजनीतिक समाजीकरण एक अजिही विधि है जिस द्वारा राजनीतिक सभ्याचार एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक पहुँचता, तो यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एलन आर बाल ने लिखा, राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ राजनीतिक प्रणाली प्रति रुचियां ते विश्वासों की स्थापना करनी है अते उन्हां दा विकास करना। सो वॉट इज़ पोलिटिकल सोशलाइजेशन दैन। सो राजनीतिक समाजीकरण दीयां परिभाषा पढ़ने बाद इस नतीजे ते पहुंचदे कि जदों व्यक्ति अपने आप नूं समाज दे बनाए नियमों अनुसार ढालण की कोशिश करता, तो उस प्रक्रिया नूं राजनीतिक समाजीकरण कहने हैं। राजनीतिक समाजीकरण के एजेंट्स साधन कि धर्म है, काम है, मास मीडिया है, स्कूल है, पीयर फैमिली है, ये सारे मनुखों सिखाते हैं। जिहड़े जिहड़े किहड़े किहड़े साधना तो मनुख सिखता वै उन्हां नूं साधन कहने हैं। सो सब तो पहला साधन हुंदा वै परिवार। सब तो पहले मनुख है जिहड़ा अपने परिवार कोलों ही सिखदा चीज़ा। सो राजनीतिक समाजीकरण का पहला साधन परिवार है। ये एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक राजनीतिक सभ्याचार को पहुँचाने का काम करता। सब तो पहला बच्चे उपर अपने परिवार का प्रभाव पैंदा। बच्चा अपनी राजनीति प्रति नज़रिया अपने परिवार तो ही सीखता, अपने घर तो ही सीखता। दूजा है विद्यक संस्थावां। जदों बच्चा वड्डा हुंदा तो अपने नेड़े दे स्कूल सिक्ख्या लैण जांदा, उत्थों उसका आचरण बनना शुरू हुंदा। विद्यार्थी इतिहास तो अलावा होर विषय पढ़ता जिस नाल उह समाज के ताने बाने नूं समझण दी कोशिश करता। सो स्कूल कॉलेज पढ़ाउंदे अध्यापकां दे प्रभाव विद्यार्थियों की शख्सियत नूं निखारदा ते विद्यार्थियों नूं अपने देश ते समाज प्रति जिम्मेवारी का अहसास हुंदा। पीयर ग्रुप ते समान स्थिति वाले समूह। असीं देखते हैं कि लोगों उपर अपने हम उम्र दोस्तों का बहुत प्रभाव पैंदा। ये ग्रुप लोगों की राजनीति में दिलचस्पी पैदा करते हैं। वख-वख समूह राजनीति के विषयों उपर विचार रखते हैं। हर व्यक्ति का राजनीति प्रति अपना वक्खरा दृष्टिकोण हुंदा। काम जां रुजगार, रुजगार के अनुभव भी लोगों की राजनीति में दिलचस्पी पैदा करते हैं। सरकार के मुलाजमान लई बनाए कानून सही हैं जां गलत, इन्हां बारे चर्चा की जाती है। सरकारी कर्मचारी सरकार दीयां चंगीयां नीतियां की सराहना करते हैं तो गलत नीतियां की आलोचना भी करते हैं। इस तरह रुजगार के नाल नाल व्यक्ति राजनीति प्रति भी सुचेत रह के काम करता। संचार के साधन। आधुनिक युग में मल्टीमीडिया का युग है, तो अज सारा संसार संचार के वख-वख साधनों द्वारा एक पिंड के आकार जिन्ना बन गया। इस विच सिनेमा, रेडियो, टीवी, अखबार ते इंटरनेट आदि आउंदे ने। सो अज दे समय हर राजनीतिक पार्टी लोगों नूं अपने नाल जोड़न लई मल्टीमीडिया का सहारा लैंदी है। सरकार दीयां नीतियां ते विचारां दा लोगों नूं पता लगता है ते लोग भी राजनीति नूं समझण लग पए ने। सो लोग राजनीति नाल संबंधित फिल्मों तो प्रभावित हुंदे ने। अज दी जनता पढ़ी लिखी है, इसलिए व्यक्तियों का राजनीतिक समाजीकरण हुंदा रहिंदा है। सो मल्टीमीडिया भी हुंदा इहदे नाल। सो अल्टीमेटली आपां इस टक्कड़दे आं भई
राजनीतिक समाजीकरण जिस द्वारा लोगों को राजनीति को समझने का यतन करते ने समझते ने सो इस दा अज दे युग विच बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक समय च इंटरनेट साधना ने भी लोगों ते सरकारां विचकार दूरी नू खत्म करन दी कोशिश कीती है। इस नाल लोगों नू अपने देश तों इलावा बाहरले देशां दी राजनीति दी समझ भी आउंदी है ते आउण वालियां पीढ़ियां राजनीतिक कदरां कीमतां नू समझण दी कोशिश करदियां ने। इस तों इलावा बेटा आपां करांगे राजनीतिक समाजीकरण दीआं विशेषतावां। सो बेटा विशेषतावां च की हैगा, सब तों पहले राजनीतिक समाजीकरण जिहड़ा वा ये एक सीखण की प्रक्रिया, इट इज़ प्रोसैस ऑफ लर्निंग। राजनीतिक समाजीकरण एक सीखण की प्रक्रिया जिस दे द्वारा व्यक्ति राजनीतिक प्रणाली के बारे च ज्ञान प्राप्त करता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति नूं एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक पहुँचाउण दा काम करता है। दूजा ये एक निरंतर चलन वाली प्रक्रिया वा, ये एक निरंतर चलन वाली प्रक्रिया वा। जिस तरह समाजिक आर्थिक ते राजनीतिक परिस्थितियां बदलदियां रहिंदियां उस तरह राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया विच भी परिवर्तन आउंदे रहिंदे ने, परंतु ये समाज निरंतर चलन वालियां जिहड़ियां ने उहनां दे अनुसार ही बणदे ने। प्रक्रिया वा लगातार चलन वाली प्रक्रिया वा मन्नी जांदी है। अगली बेटा दी विशेषता की है, राजनीतिक समाजीकरण जिहड़ा वा दी प्रक्रिया सर्वव्यापी है। पोलिटिकल सोशलाइजेशन या यूनीवर्सल प्रोसैस। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया हर समाज में पाई जाती है। समाज सामवादी सरकारां च राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सामवादी सिद्धांतों के प्रति लोगों के आचरण को विकसित करती है, जदों कि लोकतंत्री शासन प्रणाली में लोकतंत्री सिद्धांतों के प्रति लोगों के आचरण को विकसित किया जाता है। दूजा अगर राजनीतिक समाजीकरण में उपचारक और अनुपचारक सिक्ख्या शामिल होती है, यानी रस्मी तो गैर रस्मी सिक्ख्या संस्थावां दे विच जन प्रसार के साधना द्वारा राजनीतिक प्रणाली के प्रति प्राप्त की गई जानकारी राजनीतिक समाजीकरण की उपचारक ज रस्मी सिक्ख्या मनी जाती है, परंतु उचित साधना के द्वारा हो रहे समाजीकरण समाजीकरण की अनुचित सिक्ख्या मनिया जाता है, तो परिवार के रुजगार के अनुभव शामिल होते हैं। नैक्सट है राजनीतिक समाजीकरण प्रगट रूप नाल भी हो सकता है तो गुप्त रूप नाल भी। जब राजनीतिक विषयों ते समस्यावां संबंधी प्रत्यक्ष रूप विच नाल लोकां दे मुल्लां विश्वासां ते दृष्टिकोणां दा निर्माण करन दा यतन कीता जांदा तां उस नूं अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहा जांदा, परंतु जदों व्यक्ति अणजाणे विच दूसरे व्यक्तियां जां अपने अनुभव तों राजनीतिक मुल्लां दे बारे जा सिखदा तां उस नूं गुप्त राजनीतिक समाजीकरण मन्निया जांदा। बेटा इस तों इंपॉर्टेंट होर भी टॉपिक हैगा राजनीतिक समाजीकरण दी किस्मां कीहड़ियां-कीहड़ियां किस्मां ने। सब तो पहली किस्म है प्रगट जां प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण। जब व्यक्ति प्रत्यक्ष साधना द्वारा राजनीतिक विषयों ते समस्यावां दे प्रति मुल्लां दृष्टिकोणां ते विश्वासां आदि दा निर्माण करता है तां उसनूं प्रगट जां प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहिंदे आ। जदों व्यक्ति समाचार पत्र रेडियो टैलीविजन सूचना ते दे साधना द्वारा अपने राजनीतिक दृष्टिकोण दा निर्माण करता तां उसनूं प्रगट राजनीतिक समाजीकरण कहिंदे आ। दूजा है गुप्त जां अप्रत्यक्ष समाजीकरण। जब व्यक्ति अणजाणे विच प्राप्त किए गए विश्वासां जो राजनीतिक मुल्लां नूं प्रभावित करते हैं नूं गुप्त जां अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहिंदे आ। जिवें अणजाणे विच बच्चे दे मन ते जो प्रभाव बचपन पै जांदा वड्डा होण तों बाद उस दे राजनीतिक मुल्लां विश्वासां ते दृष्टिकोणां नूं प्रभावित करते हैं। तीजा है आदम समाजीकरण प्रिमिटिव सोशलाइजेशन। आदम समाजां विच सिक्ख्या ते राजनीतिक चेतना का बहुत ही नीवा स्तर हुंदा है। व्यक्ति रूढ़ीवादी राजनीतिक मुल्लां विश्वासां ते दृष्टिकोणां नाल जुड़िया हुंदा है। व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियां विच भाग नहीं लैंदा। एक शक्तिशाली व्यक्ति राजनीतिक सत्ता ते अपना अधिकार स्थापित कर लैंदा है। शक्ति दी दे द्वारा ही लोकां नूं अपने आदेशां दी पालना करदा। आदम समाजीकरण विच शक्ति महत्वपूर्ण स्थान रखते क्योंकि शक्ति के आधार पर व्यक्ति राजनीति अपनी भूमिका निभा सकता। ये पुराने समय से चलता सी इदा, अजकल इदा नहीं चलता। आधुनिक समाजीकरण बेटा आधुनिक समाजीकरण में स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों से जन प्रसार के साधना द्वारा बच्चे आरंभ तो ही अलग अलग प्रकार दूमिकावान निभाने के लिए तैयार किया जाता। लोगों में राजनीतिक प्रणाली प्रति विश्वास संविधान का सम्मान करना अधिकारां ते कर्तव्यां दा उचित प्रयोग करने का भावना देश की प्रभुसत्ता का सम्मान करना ते देश की एकता ते अखंडता नूं बनाई रखने की भावना आदि नूं विकसित करना आधुनिक समाजीकरण दीआं विधियां ने। सो प्यारे विद्यार्थियों आपां राजनीतिक समाजीकरण दीआं साधना बारे
ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕੋਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਏਕੇ ਚੈਨਲ, ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਰੈਗੂਲਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਕੋਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਏਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।